the city, wakes up to a new morning. Every day begins with our spending some time for ourselves or with whom we love. This is the way our lives begin. In the cold breeze, open Ghaziabad's morning. Then the mundane work cycle begins. Most of us have a place where we work and we tend to rush there within time to start our daily routine. But do we even realize that it's not the same for everyone? We are so engrossed in our own work that we seldom recognize that people who care for us don't live a relaxed life much like us. छाते दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है लोग इस चीज का पालन नहीं करते हैं। बारिश में भी बिना रेनकोट पहने ही ट्रैफिक चलाते हैं या छाता का यूज नहीं करते हैं। तो ये थोड़ी सी इन सब चीजों को जिम्मेदारियां समझनी होगी। फैसिलिटी तो दी जाती है, लेकिन मेरा मानना थोड़ी फैसिलिटी की कमी है पुलिस डिपार्टमेंट में, थोड़ा रिसोर्सेज जो है बढ़ाने पड़ेंगे। गाड़ी बाहर निकल जाती है, मतलब सामने आगे बढ़ जाती है, तो उसे मतलब उससे हम आगे ही निकाल देते हैं, उस साइड में लगा देते हैं ताकि दूसरा जो ट्रैफिक है वो प्रभावित ना हो। अगर कोई एम्बुलेंस की दूसरे साइड से आती है उस ट्रैफिक को रोक के उसको प्राथमिकता देखते हुए पहले निकालते हैं। फोर्स जैसा कि सिविल वॉलंटियर फोर्स होती है, सीवीएफ होती है, इसमें बहुत से लोग आते हैं, इसमें सिविल डिफेंस के भी लोग आते हैं और जो एनजीओस हैं वो भी हैं, जो वॉलंटरी फोर्सेज हैं जिनको मतलब जो चाहते हैं कि हाँ मतलब ट्रैफिक में अपना योगदान दे सके, तो उनकी भी सेमिनार कराई जाती है, वर्कशॉप कराई जाती है, उसके बाद उनको ट्रैफिक के बारे में बेसिक जानकारी दे के उनकी भी जो है मतलब उनकी हेल्प ली जाती है, वो ट्रैफिक को स्मूथ चला सकते हैं क्योंकि वो शहर के ज्यादा लोकल रेजिडेंट ऑफ दैट सिटी, तो वो ट्रैफिक को ज़्यादा स्मूथली जो है हैंडल कर सकते हैं। पब्लिक को ये लगता है पुलिस जो है हमारे साथ जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, जाती कर रही है, तो उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो सीट बेल्ट लगाएंगे, हेलमेट लगाएंगे, तो वही भविष्य में कभी इनकेस अगर एक्सीडेंट हुआ तो वही उनकी सुरक्षा होगी, सेफ्टी होगी। सीट बेल्ट लगाएंगे तो वही बचेंगे, हेलमेट लगाएंगे वही बचेंगे। तो ये उनको ये नहीं समझना चाहिए कि जबरदस्ती मैं हेलमेट लगाऊँ या पुलिस के डर की वजह से हेलमेट लगाऊँ। ये जो है जैसे आदमी घर से कपड़े पहन के निकलता वैसे जब बाइक पहने चलाया, फोर व्हीलर चलाए तो सीट बेल्ट लगा के निकले, इस चीज़ को वो रूटीन प्रोसेस हम। बाकी रैली की बात हुई, इससे ट्रैफिक जाम लगता है, लेकिन इसकी सूचना प्रशासन को और एडमिन को डिपार्टमेंट को पहले मिल जाती है, तो हम उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, कैसे रैली की कितनी अमाउंट है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या कहाँ पर जाम होगा कहाँ पर नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले से इसका एक जो है सिनॉप्सिस, एक चार्ट बना लेते हैं ट्रैफिक प्लान, उसके बाद उसको हम लोग रेगुलेट कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। In between this busy schedule, there are some people who do not cooperate with the concerned authorities. Their improperly parked vehicles act as hindrance to others. To make the traffic move smoothly, they check their driving speeds and related documents. And this all just to ensure that we are safe on the roads. There is nothing in it for them except a human concern that goes beyond their selfish needs. Have you just imagined what would traffic be on the roads if there was no resilient guardians on the roads? They know that their hard work has never been recognized at our workplace or even at home. Forget appreciation, but having even noticed them or their work and their dedication towards their work that goes into our safety, these resilient guardians do day in and day out for us on the roads of Ghaziabad. A little cooperation, respect, and gratitude can make a small difference in their daily work life.